यस, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस टू प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। नहीं भी दिया होता तो भी ये होता, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके जेई का क्वेश्चन है, मैथड से सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप लॉजिक से करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट जिससे कोई मिस्टेक के चांस नहीं, आप मुश्किल से हार्डली 10 या 15 सेकंड में करेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए क्या था, ये रूट एक्स माइनस टू है, ये प्लस टू है, यानी ये पूरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या है बेटा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस फोर। इसमें ये तो पॉजिटिव है, बस यही निगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव और निगेटिव होने पे ही रिलेशन जीरो आएगा। अच्छा, एक बात और समझ में आती है कि आपको द सम ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, यानी सम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब जो भी रूट्स निकले उनका सम। बहुत इजीली आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक्स की जगह जीरो रख दो तो ये मिलेगा टू और ये मिलेगा जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना, अगर आप ठीक 16 रख देंगे तो 4 माइनस 4 कितना होगा, जीरो, यानी आप 16 तक भी नहीं जाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना, जीरो भी नहीं जाना। अब क्या बचा, केवल 1, 4 और 9, राइट, क्योंकि आंसर कहीं इरेशनल नहीं है तो हमें पता परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं 1 रख दो तो क्या होगा, अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 3 और ये माइनस 3, यानी ये कर रहा है सेटिस्फाई। मैं आपसे बोलूं कि 4 रख दो, 2 माइनस 2 जीरो, तो यहां मिलेगा 2 और यहां पर मिलेगा कितना, ये 2 और ये माइनस 2 नहीं कर रहा है, कट। अब कहीं 1 है ऑप्शन में, नहीं है, तो आप इसका मतलब पक्की बात है कि 9 रहेगा। अब 9 रख दें तो क्या होगा, 9 मतलब 3, 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 जीरो, यानी ये कर रहा है। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया बेटा, 1 प्लस 9 दिस इक्वल टू 10। यानी मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये जो मैं आपके साथ सेशन छोटे छोटे शेयर करूंगा, इससे आप बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ सोचना चालू करेंगे, और ये अप्रोच आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, स्कोरिंग में भी और टाइम सेविंग में भी। तो इज दैट क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करना होता तो क्या होता, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते थे, रूट एक्स को या तो वाई मान लो, वो भी समझाने के लिए, नहीं तो रूट एक्स को ही क्वाड्रेटिक मान लो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप ऐसा बोल सकते थे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार आपने ऐसा बोल दिया, वाई माइनस टू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, यानी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी बेसिकली रूट टू बोल सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स है ना, ऐसा बोलोगे ना बेटा, रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो आपने एक कंडीशन ली ग्रेटर देन इक्वल टू फोर की, क्या होगा बताइए, वाई माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई कॉमन, तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक वैल्यू आ गई जीरो, एक आ गई थ्री। वाई थ्री है मतलब एक्स कितना हो गया बेटा, नाइन। अच्छा, वाई जीरो है तो एक्स कितना हो गया, जीरो, पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब एक रूट ये आ गया नाइन। अब दूसरा केस आप लोगे, देखो इसी चीज को जब मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। दूसरा केस क्या लोगे, एक्स लेस देन फोर। अब उस केस में ये टू माइनस वाई ओपन होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या हुआ बेटा, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू आ गई वन और एक वैल्यू आ गई फोर। वाई वन मतलब एक्स वन, और वाई फोर मतलब रूट रूट एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू 16 हो नहीं सकता, लेस देन फोर लिखा, तो ये दो रूट आ गए, इनका आपसे समेशन पूछा गया था। बट आपने बिना मेथड के एक कंसेप्ट लगाया कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जहां पर ये निगेटिव होगा तो ही इसका सम जीरो होगा, एक दो वैल्यू रखी, फट से आंसर दे दिया। यानी आप, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए, यानी इन्हीं क्वेश्चन में कई बार हमारा बहुत टाइम चला जाता है, और कई बार अगर हम कंसेप्चुअली कर रहे हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। नोट करिए क्वेश्चन को।